हाय दोस्तों, आपका तैमूर अली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको एक नई चीज़ दिखाने आया हूँ। सेक्टर 37 है, गुड़गांव में एरिया सी ब्लॉक, उसमें यह रहते हैं। गरीब तबके के लोग जो बहुत ज़्यादा नीचे इधर मेहनत मजदूरी करके कमाते खाते हैं, उनके बारे में उनसे मिलवाऊँगा और ये चीज़ वहाँ की दिखाऊँगा। तो ये बेचारे तो यहाँ पे इन्होंने झुग्गी झोपड़ी तरीके से ये डाल रखी हैं। तो आप देखना चाहेंगे इनकी झुग्गी झोपड़ी, मैं इनको दिखाऊँगा। तो आप देखते रहें कि ये झुग्गी झोपड़ी हैं और इस तरीके से ये इसमें रहते हैं। बहुत ज़्यादा दूर तक इन्होंने अपने घर पिंडाले बना रखे हैं। तो आप लोग, आपसे यही गुजारिश है कि आप इनसे मिलें और देखें, इनकी बात को सुने। तो ये लोग हैं, मैंने इनसे बोला है मैंने कि अगर आप अपनी बारी फरमाइश बताएं तो मैं इनसे एक बार मिलवाऊंगा। ये देखें इनकी झुग्गी झोपड़ी इस तरीके से। बेचारे 8-8, 10-10, 15-15 साल से रह रहे हैं और यहीं पर ज़िंदगी काट रहे हैं। ना लैट्रिन की जगह, ना टॉयलेट की जगह, ना खाने पीने की ढंग से जगह। यहीं सो जाते हैं, यहीं कमाते हैं, यहीं खाते हैं। तो आप लोगों से मैं मिलवाऊँगा। तो आप देख सकते हैं ये लोग खड़े हैं यहाँ पे, ये भाई लोग, और यहाँ पे ये काम करते हैं बेचारे और यहाँ पे रह रहे हैं। तो भाई साहब, पहले आप अपना नाम बताइए, आपका क्या नाम होगा? सुरेश नाथ। एक मिनट, अब बोलो अपना नाम बताइए। सुरेश नाथ। अच्छा, सुरेश नाथ। आप भाई साहब कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? 10 साल से रह रहे हैं सर। मैं ऐसे पकड़ लिया। आप कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं? 10 साल से सर। तो ये जो जगह है, ये पड़ोसी, 10 साल से आप यहीं पर रह रहे हैं? वैसे ही वैसे रहते हैं सर। तो आप इसमें क्या काम करते हैं सर? ये अपना खेल तमाशा, अपना ये कबाड़ा बीनना, बच्चों में खेल तमाशा, मतलब सपेरा वगैरह और तमाशा, और ये जैसे ईट वगैरह ये बना के पत्थर का, जैसे सिलौटिया जिससे मसाला पीसते हैं, जो 100 साल से लोग मसाला पीस के खाते थे, आज के टाइम में मिक्सी मशीन से पीस के खा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब आपका कहने का मतलब आपके हाथों की बनी चीज बड़े लोग, अमीर लोग और ये सब लोग चीज से मसाला पीस पीस के खाते हैं, है ना? तो भाई साहब, आपको मतलब यहाँ रहने में मतलब काफी कष्ट होता होगा? कष्ट जी, लैट्रिन, क्योंकि परेशान होते हैं लैट्रिन से, जाने से, आने से। यहाँ को लैटरिन नहीं, को लेना नहीं, को देना नहीं, बच्चे वैसे जब आप वैसे 10 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो वैसे हरियाणा गवर्नमेंट खट्टर गवर्नमेंट है यहाँ की, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो खट्टर गवर्नमेंट को थोड़ा सा आपके बारे में सोचना भी चाहिए और कुछ उनको जैसे रहने की, माना ये तो किसी दूसरे की जगह है लेकिन कहीं आउटर एरिया में थोड़ा सा आपका एक एक कमरे का जुगाड़ रहने के हिसाब से, चाहे भले ही किराए के हिसाब से रखवाएं, लेकिन रखना चाहिए गवर्नमेंट को, होना चाहिए, है ना? ये बात गलत है कि सही है? बहुत बढ़िया, बाकी सुनवाई होती नहीं हमारी, जहाँ की सुनवाई नहीं होती है। चलो, 10 साल से तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि ये जो वीडियो बनाई जा रही है, तो ये जैसे अपने खट्टर साहब अच्छे बंदे हैं और प्रधान मतलब मुख्यमंत्री यहाँ की बहुत अच्छी सरकार चलाते हैं, तो हो सकता है कि आपके बारे में सुने। तो ये आप इस इन यहाँ के बारे में अपना थोड़ा सा बताएं। देखो, ये इनका घर है। एक बार आपका घर कौन सा है भाई साहब? सर, हमारा घर ये अच्छा, पीछे वाला आइए, देखो इनका घर है। ये बता रहे हैं कि हमारे ये घर है और इन घरों में ये रहते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने भी नहीं जाते हैं ये। तुम पढ़ते हो बच्चों? नहीं, बस खाली खेलते हो, क्योंकि तुम्हारे पापा के पास पैसे नहीं होते होंगे। तो जब पैसे नहीं होते होंगे तो तुम खाली खेलने में दिमाग लगाते होगे। बाकी इधर उधर कोई लोहा बीन लिया, कोई कचरा बीन लिया, कोई ये ऐसे ही बस पापा को 10-20 रुपए दे दिए, अपने पेट भर लिया, ऐसे ही करते होगे ना? सावन के महीने में पानी भर जाता है। सावन के महीने में यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत सारा पानी भर जाता है सावन में। तो सर, आपसे यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। वैसे तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें आप किसी के लिए, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा इनके बारे में सोच के कहीं कमरे बनवाओ, बनवा के या कहीं पे इनको किराए के हिसाब से भी दे दें, तब भी ये बेचारे गुजारा कर लेंगे। क्योंकि इनके ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखो जाड़े में कैसे इनको ठंड लगती होगी। क्यों बेटा, तुम्हें ठंड लगती है? ठंड लगती है? क्या नाम है तुम्हारा? टिकोर। तुम्हारा क्या नाम है? मानव। तुम्हारा क्या नाम है? नूज। ठंड लगती है तुम्हें? इसमें बहुत सारी ठंड लगती होगी। जब ठंड लगती होगी तो तुम फिर क्या करते हो? अलाव जलाते हो, मतलब लकड़ी इकट्ठी करके आग बर आग सेकते हैं। आग से ये आग सेकते हैं, ये ठंड लगती है जब, तो आग सेक के ये बेचारे गुजारा करते हैं। आप ठीक है, आप सबसे ये बहुत बहुत आप बाय करो गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट हमारे बारे में सुने। कहियो हमें शिक्षा मिलनी चाहिए, पढ़ाई वढ़ाई की कहिए, हम पढ़ना चाहते हैं। तुम बच्चों पढ़ना चाहते हो? पढ़ के क्या बनोगे? अफसर बनेंगे, टीचर बनोगे, इंजीनियर। तुम क्या बनोगे? इंजीनियर। इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे, ये सारा बनना चाहते हैं। चलो, आपके बारे में गवर्नमेंट सुनेगी और आपके बारे में बहुत बहुत अच्छा सा आपका वो होगा, और हम भी कोशिश करते रहेंगे आप लोगों की वीडियो पहुंचाते रहें सरकार के द्वारा,
देखो सरकार को पता नहीं चलता है, सरकार अपनी जगह बैठी होती है, लेकिन उनको जब कहीं की बात दिखाओगे पहुंचाओगे तभी पता चलेगा उसके बारे में। ठीक है, चलो ठीक है, ओके जी, धन्यवाद। भाई साहब ये आपका क्या नाम था? सुरेश नाथ जी, आप अपनी एक रिक्वायरमेंट रखना चाह रहे थे, वो क्या, किस चीज की रिक्वायरमेंट रखना चाह रहे थे? इस चीज की है, जो हमारी लेडीज है, ये बच्चे ये परेशान होते हैं लैट्रिन से, ज्यादा नहीं तो यहाँ पे लैट्रिन रखी जाए। एक आपका कहने का मतलब है सरकारी सर्व शौचालय यहाँ पे बनवा दिया जाए, ये जगह खाली पड़ी है गवर्नमेंट की, यहाँ पे बनवा दिया जाए तो आपके जो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने जो प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं और लेडीज हैं जो औरतें इधर उधर गंदगी ना फैलाएं, जो इधर उधर लैट्रिन पड़ा होता है सेक्टर के एरिया में इधर उधर, ये सब में ना जाएंगे, ये उसी लैट्रिन में ही सब कर रहे हैं। जैसे रोड पार करके जाते हैं ना हमारे बच्चे छोटे छोटे, दो तीन बच्चों को यहाँ पे एक्सीडेंट होकर मर भी गए। आपका कहने का मतलब है जब ये यहाँ से रोड पार करते हैं तो रोड पार करने के बाद में जब बच्चे जाते हैं तो गाड़ी वाला ट्रैफिक तेजी से ले जाता है, उनको बस चढ़ा देते हैं। चलो ठीक है बच्चों, आपके बारे में गवर्नमेंट जरूर सुनेगी और लैट्रिन वहाँ या यहाँ कोने पर रखवाएगी और हो जाएगा आपका काम। बहुत धन्यवाद, ओके जी, हैं।